हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टेक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप छत्तीसगढ़ में किसी भी राशन कार्ड में किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर अगर उसके राशन कार्ड में लिंक नहीं है तो उसका आवंटन नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, इस स्थिति में हमें अपना आधार नंबर लिंक कराना अति आवश्यक होता है और इसके लिए हम अपने ब्लॉक या जिला स्तर में, जिला कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाके आवेदन जमा करते हैं, तब जाके हमारा आधार नंबर लिंक होता है। तो दोस्तों, अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए शासन ने एक ऑप्शन दिया है जिसके माध्यम से आप अपना आधार नंबर स्वयं लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए, आप अपना आधार नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब के रेड कलर का बटन दिखेगा, उसमें आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हम जब भी नई से नई इस वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे टाइप कीजिए सीजी खाद्य। ठीक है दोस्तों, इंटर करिए। अब यहाँ ये होम पेज है, यहाँ पे सीजी खाद्य है, ये जो है खाद्य छत्तीसगढ़ .nic.in, इस पर क्लिक करिए। ये होम पेज खुला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये सबसे फर्स्ट में है जनभागीदारी, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद ये वाला होम पेज आएगा। इसके बाद इस पेज में आप यहाँ देखिए अपना आधार नंबर दर्ज करें, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब यहाँ आप अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ आप कोई राशन कार्ड अपना, जिस राशन कार्ड में आपका नाम है और आधार नंबर लिंक नहीं है, उसको आप यहाँ टाइप कर दीजिए और यहाँ विवरण देखने में क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ इसका डिटेल निकल गया। अब यहाँ ठीक है दोस्तों, ये रहा। यहाँ देखिए नाम तो है पर आधार नंबर, इसका आधार क्रमांक है खाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप आधार नंबर डालिएगा और यहाँ उसका पूरा नाम जैसा आधार कार्ड में दर्ज है, अंग्रेजी में स्पेलिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन ना करें, अन्यथा वो आधार वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जैसा ही आधार कार्ड में उसका स्पेलिंग है वैसा ही यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ सुरक्षित में आके क्लिक कर दें, फिर आपका आधार नंबर लिंक हो जाएगा और आपको आपका आवंटन दे दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी कार्यालय में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं इसको कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति के राशन कार्ड का आधार लिंक आप अपने माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।